Hi guys, welcome to my YouTube channel MAS Creation MS Supermart. मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम YouTube अपडेट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन 2-3 सालों में YouTube में काफ़ी अपडेट्स आई हैं. इतनी अपडेट्स आई हैं कि काफ़ी कुछ चेंजेस आई है. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अपडेट्स जानेंगे. तकरीबन 4 से 6 अपडेट्स हैं जो अक्टूबर में स्टार्ट हुई है. 2 अक्टूबर से अपडेटिंग स्टार्ट हुई है. बात करते हैं सबसे पहले गूगल एंकर अपडेट की. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ी वीडियो बनाते हैं, जैसे 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, मीन्स दैट 25 से 30 मिनट्स की जो वीडियोस होती है, आवर्स की वीडियोस होती है. फॉर एग्जांपल अनबॉक्सिंग की वीडियो होती है. आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप स्टार्ट के 5 मिनट उसकी इंट्रोडक्शन देते हो, फिर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उसकी अनबॉक्सिंग करते हो, फिर 11वें मिनट से और 15वें मिनट तक आप इसी पूरे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताते हो. इसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रबल शूट है या कुछ चीज़ है, जैसे कि आप इसका तरीका बता रहे हो, हल बता रहे हो, सॉल्यूशन बता रहे हो, तो 16 मिनट से 20 मिनट तक तकरीबन एक 20 मिनट की वीडियो बन गई जिसके 4 हिस्से हैं. आपने पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन बताया, दूसरे हिस्से में आपने बताया अनबॉक्सिंग, तीसरे हिस्से में आपने इंस्टॉलेशन बताई, किस तरीके से इंस्टॉल करना है प्रोडक्ट्स वगैरह, चौथे हिस्से में आपने इसकी सॉल्यूशन बताई कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती, क्या ना सकती. तो एंकर अपडेट का काम यह है कि जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है टाइटल में आप क्या क्या लिखेंगे. आप सिंपल से एक अनबॉक्सिंग या कुछ अच्छा सा टाइटल लिखते हैं. इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आके एंकर अपडेट का एक फॉर्मेट आने वाला है बहुत जल्द. उसमें आपने क्या करना है कि टाइम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपने 0. मतलब बताना है कि 1 मिनट से 5 मिनट तक, इस तरीके से टाइम, जैसे टाइम फॉर्मेट होता है, तो उस टाइम फॉर्मेट में आपने लिख के और सामने बराबर में लिखना है कि ये है इंट्रोडक्शन. इसके बाद एंटर करके न्यू लाइन में आना है. इसके बाद 5 मिनट, 6 मिनट से 10 मिनट तक एक टाइम उसमें शो करना है. इसके अलावा इसके बाद आगे लिखना है अनबॉक्सिंग. इसके बाद फिर सेम तरीके 4 लाइन आपने इस तरीके से लिख देंगी. जैसे कि पहली 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इंट्रोडक्शन हो गया, 6 मिनट से 10 मिनट तक अनबॉक्सिंग हो गई, 11 मिनट से 15 मिनट तक इंस्टॉलेशन हो गई और 16 मिनट से 20 मिनट तक आपका हो गया सॉल्यूशन. तो होगा क्या, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि जैसे कि कोई बंदा सर्च करता है अनबॉक्सिंग की, तो आपकी वीडियो जब शो होगी अनबॉक्सिंग के उसमें भी शो होगी, इंस्टॉलेशन में भी शो होगी, इंट्रोडक्शन में भी शो होगी और सॉल्यूशन में भी शो होगी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो अनबॉक्सिंग की खाली सर्च करता है तो जैसे ही आपकी वीडियो शो होगी तो वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं होगी, डायरेक्ट अनबॉक्सिंग से स्टार्ट होगी, यानी कि 6 मिनट से स्टार्ट होगी. कोई सॉल्यूशन का देखता है तो वो 16 मिनट से स्टार्ट होगी. तो ये एक विजिटर्स के लिए बेहतरीन है कि उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. हाँ, हमें प्रॉब्लम पड़ सकता है क्योंकि वॉच टाइम में भी कम हो सकता है, लेकिन ये एक अपडेट है, अच्छा अपडेट है. विजिटर्स और व्यूवर्स इसमें क्या है कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं, व्यूज़ हमारे काफ़ी इंक्रीज़ हो सकते हैं. ये हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि आप एक वीडियो बना रहे हैं उसको 4-4 तरीके से सर्च किया जा सकता है. अच्छा, दूसरा अपडेट जो है वो एक्सपेरिमेंट के उस पर है. जैसे कि अभी यूट्यूब कुछ चैनल्स में या कुछ सेलेक्टेड चैनल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि तो होते हैं ऑटो एड्स जो खुद गूगल यूट्यूब अपनी मर्ज़ी से लगाता है, एक वीडियो के स्टार्ट में, एक एंड में. एक होते हैं कि बीच में आप अपनी मर्ज़ी से ऐड लगाते हैं, येलो कलर के पॉइंट्स होते हैं वो आते हैं. तो उसमें ये है कि जैसे 10 मिनट या 15 मिनट कुछ लिमिट है, उसके आगे की अगर बड़ी वीडियो होगी तो आप अपनी मर्ज़ी से बीच में जितनी चाहे ऐड लगा सकते हैं. तो वो जो मिड में जो अपनी मर्ज़ी से मैनुअल एड्स जो ऐड करेंगे ना, वो अभी 1-2-3 हफ्ते तक शो नहीं होंगे. ये एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट की वजह यह है कि ये लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन सी एड्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है. वीडियो की स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली जो जनरेट होती है वो, या फिर मैनुअली चैनल क्रिएटर ऐड करता है वो. तीसरा अपडेट ये आ रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब स्टूडियो जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है. मतलब यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो अब बीटा में चेंज हो चुका है. तो इसका जो अपलोड ऑप्शन था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स तो चेंज हो गए, लेकिन इंटरफेरेंस जो है वो अभी तक ओल्ड वाला है, पुराना वाला है. तो इस साल के एंड में या कुछ ही महीनों में ये इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसकी जगह नया इंटरफेस आने वाला है, पुराना अपलोड ऑप्शन चेंज हो जाएगा. दूसरा चौथा खास अपडेट यह है कि यूट्यूब क्रिएटर जो टीम है जो उन्हें क्रिएटर्स में अपडेट करती है, क्रिएटर स्टूडियो बीटा में अपडेट करती है, उन्होंने ये प्लान किया है कि इस साल 2019 के एंड तक जो क्लासिक का जैसे कि ऑप्शन आपको नज़र आता होगा कि आप स्टूडियो बीटा में तो जाते हैं लेकिन इसमें क्लासिक का भी ऑप्शन आता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लास्ट में यहाँ पर ये आ रहा है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक. ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास इसकी लिंक भी होगी तो भी आप इस पेज पे जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो क्लासिक वाला हिस्सा था वो बहुत जल्द अब एंड हो जाने वाला है, अब शो नहीं होगा. अब जो भी होगा सब ये देखिए जो ये जो चीज़ है ये इस साल के एंड तक ख़त्म हो जाएगी. कोई इंटरफेरेंस कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. तो अच्छा, नई चीज़ ये है, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो अभी तक स्टूडियो बीटा में अपडेट नहीं हुए. फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर छठा ऑप्शन हमें मिलता है, छठा ऑप्शन हमें मिलता है प्लेलिस्ट, लाइव इवेंट, लाइव स्ट्रीम वगैरह. इसका ये मार्क है, यानी कि ये जो भी ऑप्शंस है ना ये सारे क्लासिक स्टूडियो के हैं। अगर आप इसमें कुछ भी क्लिक करते हैं वो आपको क्लासिक स्टूडियो पे डाइवर्ट कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो जब तक ये अपडेट नहीं होंगे ये ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसकी मदद से आप पुराने स्टूडियोज़ में जा सकेंगे। लेकिन वो एक मुख्तलिफ पेजेस में, जैसे मोनेटाइजेशन खोलूँगा तो इसका इस तरीके कुछ पेज आएगा, आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जिससे आप चेंज कर सकें। पहले ऑप्शंस मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलेंगे। वॉच टाइम कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, देखते हैं क्या होता है। तो ये बात थी। और इसके अलावा आप बस यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकेंगे, रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, ये सीधा बेटा वर्जन में लेके जाएगा आपको। तो ऐसे जितने भी ऑप्शन है ये आपको देखने मिलेंगे जब तक ये पेजेस अपडेट नहीं हो जाते। बहुत जल्दी अपडेट हो जाने वाले हैं। पांचवा अपडेट जो है वो ये है कमेंट्स को लेकर। बाद में ऐसा होता है कुछ कैटेगरी से कमेंट्स हमें सर्च करने होते हैं, तो कमेंट्स में अब क्या होगा, फ़िल्टर ऑप्शन आ गया है। फ़िल्टर ऑप्शन में नई नई चीज़ें आ गई, जैसे कि आप फ़िल्टर कर सकते हैं उन कमेंट्स को जिन पर्सनस ने आपको सब्सक्राइब किया है, यानी कि आपको सिर्फ उनके कमेंट शो होंगे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप मेंबरशिप प्रोग्राम करते हैं, अगर आपको मंथली कोई पेमेंट देता है वीडियोस की, मतलब मेंबर है आपके चैनल का, तो आप उससे भी फ़िल्टर कर सकते हो कि जो आपके मेंबर हैं उसके कमेंट दिखाएं। इसके अलावा उनको आप फ़िल्टर कर सकते हो जिनको आप रिप्लाई दे चुके हो, जैसे कि पिछले किसी कमेंट में आपने उनको रिप्लाई दिया हो, तो आप उनको भी फ़िल्टर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो देख लेते हो, एंड तक देखते हो, लाइक नहीं मिलता, सब्सक्राइब नहीं मिलता, खैर कोई बात नहीं। इसके आगे छठा अपडेट कुछ है, वो यूँ है कि स्टोरीज़ जो देखने को मिलती थी यूट्यूब में, स्टोरीज फीचर जो आया था कम्युनिटी वगैरह का, तो उसमें ये था खाली कमेंट्स का ऑप्शन आता था, बट अब उसको आप स्टोरीज़ को लाइक कर सकोगे। फेसबुक में जैसे लाइक्स होते हैं वैसे आप स्टोरीज़ में भी लाइक कर सकोगे। एक प्रॉब्लम यूट्यूब क्रिएटर्स को ये शो हो रही थी कि क्लासिक जो यूज़ करता है उसमें ये होता है सब्सक्राइबर काउंट में बहुत डिले आ रहा था। जैसे कि अगर आपके आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपको वो 2-3 दिन बाद पता चलता था। तो उसका सोल्यूशन ये था, आप सिंपली आएँ अपने बीटा वर्जन में और वहाँ पे आके आप देखें कि क्या सब्सक्राइबर्स हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है कि लाइव सब्सक्राइबर्स आपके ये बताएगा, मतलब 3 से 4 मिनट में या 1 से 1.5 घंटे में ये अपडेट होता रहता है, पुराने स्टूडियो में नहीं होता। और जिनको नया बीटा स्टूडियो पसंद नहीं आ रहा वो उस पर अब जाएँ। बाज़ दफ़ा मैं खुद भी इसी चक्करों में होता हूँ कि इस बीटा समझ नहीं आ रहा, मैं क्लासिक में जाके बाकी सेटिंग्स करूँ, लेकिन इसकी आप आदत हटा दें। जितने भी क्रिएटर्स हैं वो अब बीटा पे आ जाएँ, क्योंकि बहुत जल्द ये क्लासिक हमें नहीं दिखाई देगा। कुछ पेजेस हैं जो बीटा वर्जन में नहीं आए, आप खाली उसी पेजेस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर क्लासिक में जाके मैं कम्युनिटी में आके और सब्सक्राइबर्स वगैरह कुछ हैं जो नहीं दिखते हैं, जैसे कि चैनल में मैं आ गया तो यहाँ पे ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का। तो इसमें क्या है कि आप ये पेज देख रहे हैं, ये पेज आपको पूरा दिखाई दे रहा है और लेफ्ट में आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब ये क्लासिक स्टूडियो हट जाएगा तो होना ये है कि आपको एक ही तरीका मिलेगा वापस मोनेटाइजेशन में जाने। तो क्या करें, तो आपको बीटा में जाएंगे आप, मतलब खुलेगा ये, इस क्लासिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ अदर फीचर्स में आएंगे और यहाँ पर मोनेटाइजेशन आएगा, तो ये आपको नए पेज पे करेगा। तो यहाँ आपको लेफ्ट में कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यही सीन होने वाला है आगे आने वाले वक्त में। शायद इस साल के एंड में जो क्लासिक स्टूडियो है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और दूसरा मेन जो है वो इस अपलोड फीचर को लेके है। यहाँ पे बटन्स वगैरह चेंज हो गए, अपलोड वीडियो, अच्छा तो ये अपडेट हो चुका है, मतलब पुराना इस तरीके का है और न्यू अपलोड बीटा, ये भी हमें देखने को मिल गया है। लेकिन अभी 2 मेथड्स दिख रहे हैं अपलोड करने के लिए। अगर हम स्टूडियो बीटा में जाके देखते तो हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे अपलोड वीडियो बीटा का ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो ये तरीके का होगा अपडेट करने का, मतलब यहाँ से ये नया इंटरफेस है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपडेट होगा। मैं करता हूँ ट्राई कुछ अपनी वीडियो, ये वीडियो अपडेट करके देखते हैं, ऑलरेडी अपडेट हो चुकी। तो इस तरीके से कुछ अपलोड होगी। अब ये नया इंटरफेस मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वीडियो बनाते हुए। तो अभी इस बीटा स्टूडियो में आके हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फेसबुक यूट्यूब के मेन पेज में ये तीसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो पुराना जो ऑप्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरीके से आप अपडेट करेंगे। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बाकी एडवांस सेटिंग और प्रीव्यू, पब्लिश वगैरह जो भी होगा वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। कस्टम थंबनेल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, वो प्रोडक्शन करके आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये वीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसी में बिना किसी प्रॉब्लम के अपडेट करूँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट देखने को मिल गया है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन, सब चीज़ें बेस्ट हो गई। और ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपलोड हो गई वीडियो, और ये 0% ओके, ये वेरिफिकेशन हो रही है, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं लग रहा। अपलोड ऑप्शन चेंज हो गया है और बाकी स्टूडियो पुराना वाला अब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये बता रहा है इसने ये तक स्कैन कर लिया कि ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास अपलोडेड है। तो मतलब सेम चीज़ है, वो मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये वीडियो जो है ये सेम वीडियो है, तो इसने ये भी साइन कर दिया कि सेम वीडियो है, ये दोबारा अपलोड नहीं होगी। तो इसका हम फिलहाल रखते हैं डिलीट। तो अब ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको एडिट करके अच्छी तरीके से अपलोड करके देखता हूँ क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको नया यूट्यूब अपलोड फीचर चाहिए तो आपको पहले स्टूडियो बीटा में आना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक गो लाइव का, एक अपलोड वीडियो, ये जो सेकंड लास्ट वाला है ये पुराना अपलोड ऑप्शन है, और तीसरा वाला जो है अपलोड वीडियो बीटा न्यू का, इसमें आप नए तरीके से वीडियो अपलोड कर पाओगे। पुराना वाला अपलोड करने का तरीका बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है। और इसमें आएंगे तो आपको खाली दो ही ऑप्शन मिलेंगे, हाँ जी देखिए ये गो लाइव का और पुराना वाला अपलोड ऑप्शन मिलेगा। तो अब होने क्या वाला है, ये वाला अपलोड हटके बीटा वाला अपलोड आ जाएगा। तो ये थी कुछ आज की अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे आपको। अगर आपने एंड तक देखा है और अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, नीचे लाइक का बटन है फ्री है बिल्कुल, वो लाइक करते हैं। इसके बराबर में थोड़ा सा नीचे आगे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर भी क्लिक करते हैं, उसके बराबर में बेल आइकन होगा उसमें भी करते हैं। आप आने वाले तमाम यूट्यूब अपडेट्स की वीडियोज़ में जितना जल्दी हो सके अपलोड करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है एज अ क्रिएटर जानना कि क्या क्या अपडेट्स आ रही है और क्या क्या आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।